हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानक आम यूट्यूब चैनल रे अनेक अनेक स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स, आज मुझे नेकी आसी सुजी केक से पूरा कड़े आम बनवा बहुत ही सॉफ्ट आ स्पंजी बनी था केक। आपण थे निश्चय ट्राए करूँ घरे, एटा बहुत ही टेस्टी लगी था। तो चलत आरंभ कर आज रेसीपी। हाँ, ता पूर्व फ्रेंड्स, जदि आप चैनल नुआ अच्छा आम चैनल को एपर्तंत सब्सक्राइब करना, तेल तले रेड कलर सब्सक्राइब बटन और सैड्रे बेल आइकन को क्लिक कर आम चैनल को सब्सक्राइब करनी। वीडियो जदि पसंद आसवे लाइक और शेयर करने को जमार भूल। तो चलते आरंभ कर। तो फ्रेंड्स, सुजी केक् बनवाई ये मुझे दुई कप सुजी आपको आम गोटे बोल रे नहीं जावा। जदि आपण बेस बड़ दानार सुजी अच्छी तो ताकू टिके ग्राइंडिंग कर दिंतु। मुझे बहुत ही छोट दानार सुजी नहीं पकेबा गोटे कप क्षीर आपको आम भल भाव मिसाई देवा। इटा बहुत ही मोटा है से आउटे क्षीर एड कर। तो आपको हमें कवर करके गोटे 30 मिनट पर्यंत छाड़ देबा। तो आपको कवर करके 30 मिनट पर्यंत आपको छाड़ दिए। 30 मिनट पर हमें चेक कर देबा। एते हमें ऐड करिबा हाफ कप ऑयल। एठी मु रिफाइंड ऑयल नहीं छे। तो आपको भला भाबे मिसे देबा। ऑयल ऐड करिबा द्वारा केक टा पूरा स्पंजी और स्मूथ रही था। तो आम तेल पूरा मिसी जाए। इसमें ऐड करिबा भी चीनी। तो ये मुझे डेढ़ कप चीनी यूज कर सब को हमें भल भाव मिसाई देवा। तो एथरे आमे क्षीर मिसे मिसे आपको घाटवा ना पूरा एटा मोटा हो जा। तो मुझे पुणी 1 कप क्षीर नहीं अल्प अल्प पके पके मिसेबी। चीनी को पूरा मेल्ट होगा देवा आमे। आपको गोटे 5 मिनट छाड़ देबा जहाँफल चीनीटा शीघ्र मेल्ट हो। तापर आम नेबा हाफ कप मैदा। एथरे मिसेबा 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर आउ हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। ये सब को भल भाव मिसाई देवा। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट पर आम चेक करदे। तो चीनी आम भल भाव मिल जाए और बैटर भी आमर टी पतला हो जाए। तापर आम एड कर मैदा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा सब को पक आपको आम भल भाव मिसाई दे। तो केक पे हमारा बैटर पूरा रेडी हो जाए आप देखिपे। तो मुझे टोटाल 2 कप क्षीर नहीं तो यार अधा कप बंचीगला। तो टोटाल 1.5 कप आम क्षीर यूज है ना। आपड़ गोटे थर के क्षीर एड न करके अल्प अल्प करके एड करेंगे। जदि गोटे थर के एड करदे तो बैटरटा जब पतला हो तो सब मेजरमेंट एपट सेपट हो। जदि यहाँ बेस मोटा थी तो आपड़ आउ टे क्षीर भी एड करके पक। तो यहाँ ए मोर ठीक आ इतनी कंसिस्टेंसी आसा दरकार। तापर आम ने कड़ी जो थे आम केक् बनवा। तो ये मुझे गोटे नॉनस्टिक कड़ी नहीं हमें प्रथम तेल टे ग्रीस करदे। तो चारिड़े एम ग्रीस कर दिंतु कड़ी को। जदि आपण बटर पेपर अच्छे तो आपड़ यूज करें पकई पारे बट मो पाखे ना तो मुझे डायरेक्ट एमती बनाऊँ।
तापरे हमें ऐड करी पाई बटर तापरे आपको टिके टैप कर दें तो जहाँ पर लेते किसी पावना ना हो रहा कि इटा एकदम लेवलिंग पे रहेगा तापरे हमें इथे ऐड करी पाई टूटी फ्रूटी जदि आपन को पकड़े इट अवेलेबल नहीं तो आपन को स्किप भी करी पाई पे तबे चैलेंज बा नेक्स्ट प्रोसेस को तेठी मु गैस ऑन कर दे छी आ को मु पूरा स्लो कर दे छी आपन को गैस जत्ते स्लो होई पड़छे तको सेते स्लो कर दंतु कोन पैना आ को हमें पूरा स्लो फ्लेम रे ही कुक करबा तापर हमें आ को बसे दे को कवर कर छी 40 मिनट पर्यंत आपको एमती छाड़ी देवा तो ये पवन पड़े से आपको गोटे पेपर दे दूसरी जमा भी पवन न जबार अच्छे तो आपको आम 40 मिनट पर्यंत एमती स्लो फ्लेम रे कुक करवा तो 40 मिनट पर आम चेक करदे तो देखो आम केक् पूरा फुल्ली ऊपर को आई तो आम टूथपिक रे चेक करदे आमर हो ना तो सेंटर ही प्रेस कर देखो तो देखो जमा भी लगुनि आम टूथपिक आर माने पूरा केक् बनी जाइए आमर आपन को जो डाउट हो जापा के टाइम बनुच्चे आप मझे टे चेक कर देखिपर और एमती टूथपिक हो को स्टिक्रे भी तक एमती जस्ट प्रेस कर देखिपर से नहीं तो आमर केक् बनी जाइए तो आपको आम ए संगे संगे बाहर करवानी आपको आम टे थंडा होगा दे संगे संगे बाहर करवा तलू लग तो से आपको कवर कर 10 मिनट पर्यंत 10 मिनट नुह गोटे 20 मिनट पर्यंत छाड़दे थंडा होगापर आम देखा तो फ्रेंड्स थंडा होगापर आम आपको चेक करदे तो आम गोटे प्लेट रे बाहर करदे तो फ्रेंड्स देखो आमर सूजी केक् पूरा रेडी आपड़ चारि साइड भी देखिपर एमती टी जल्ला ब्राउन कलर आसिले ही आर टेस्ट बहुत भल लगे और देखा भी बहुत सुंदर लगे तो फ्रेंड्स मोर कड़ी डायरेक्ट बाहर ही गला कौन पर से छाड़ी छाड़ी रही जाता जदि आप बाहर नहीं तो आप चाकू एमती सैड सैड को टी बाहर करके प्लेटिंग करेंगे और पूरा थंडा होगापे ही आपको बाहर करेंगे ना तल को पूरा लग जा तो फ्रेंड्स आपन को आज मोर रेसीपीटा केमी लगे मतलब कमेंट करके निश्चय जनइबे मुझे आपन को गोटे काटिकी भी देखेबी के स्पंजी आ स्मूथ अच्छे आमर केक्